जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022-23 जो है वो 30 अप्रैल को होनी है और आज उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करें और अपना सेंटर देख लें, अपना समय देख लें, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। जो भी आप क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको टाइप करना है cbseitms.nic.in, जैसा कि हमने देखिए कर रखा है। और करने के बाद ये देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है, नवोदय विद्यालय समिति, ये आपके सामने खुल करके आ जाएगी। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ऊपर नवोदय विद्यालय का लोगो बनता हुआ नज़र आएगा और फिर आएगा कैंडिडेट कॉर्नर। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर किया था वो पर्ची आपको निकाल लेनी है, जो फॉर्म था वो यहाँ पर भर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको एक छोटी सी पजल दी जाएगी, 73-2 बराबर कितना, ये कुछ बदल के आएगा। तो आप यहाँ पर जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे मान लिया वहाँ से आप हटाओगे तो जो जो आपका आएगा वो आपका आएगा यहाँ से 71। जैसे ही आप डालेंगे इसको 71 और उसके बाद आप जो है इसे आगे ला करके साइन इन करेंगे और आपका जो कॉल लेटर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी पर्ची खो गई तो आपको घबराने की बात नहीं है, तो आप इसको दूसरे टाइप से कैसे खोज सकते हैं उसका भी तरीका मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अगर आपके पास, सपोज़ करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये यहाँ से आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, तो आपसे करा क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये देखिए दूसरे नंबर का आप कॉलम को क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बहुत आसानी से आप इसे जो है प्राप्त कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तीसरे नंबर पे सॉरी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, कैंडिडेट का जो भी नाम होगा, फादर्स नेम लिख लेंगे, मदर्स नेम लिख लेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पुनः ये पज़ल आप हल करके यहाँ पर लिख देंगे और उसे सर्च कर देंगे, तुरंत आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रोसेस थी, ऐसा आप करें और अपना देख लें कि आप सेंटर आपका कहाँ पड़ा है और अपनी तैयारी में लग जाएं। आज से हम आपको निरंतर एक वीडियो शाम को मिलेगा, वो प्रैक्टिस पेपर होगा, आपका मॉडल पेपर होगा, जिसके तहत अगर आप करते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।